और अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के साथ एज अ रिसर्च इंटर्न, और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी एज अ रिसर्च इंटर्न, और दृष्टि आईएएस में एज अ यूपीएससी कंटेंट क्रिएटर। तो वहाँ से मुझे पता चला कि वी कैन कोल्ड ईमेल पीपल, और फिर मैं घर गया, मैंने जितने भी सर्चेस थी वो करी कि कौन सी ईमेल्स होती हैं, जो लोग थे लिंक्डइन के जो वहाँ पे पहले से काम कर रहे थे उनसे कनेक्ट किया, एंड देन आई सेंट लाइक आई गेस 50 to 60 कोल्ड ईमेल्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद एक दो का रिवर्ट एंड देन आई डिड द इंटरव्यू प्रोसेस। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ है ओम, एंड ओम इज अ फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट। ओम ने अपने फर्स्ट ईयर में ही डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने काम किया है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड वो अभी दृष्टि आईएएस में भी काम कर रहे हैं। हमने इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कशन किया है कि आखिर आप एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप को कैसे ग्रैब करेंगे, एंड नॉट ओनली दिस, ओम एक पार्ट टाइम फ्रीलैंसर भी हैं। तो वो कॉलेज में होते हुए अपना कॉलेज भी मैनेज करते हैं, फ्रीलैंसिंग भी मैनेज करते हैं, साथ में वो अपनी इंटर्नशिप्स भी करते हैं। सो लेट्स वेलकम ओम। हाय ओम, एंड थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग अवर इनविटेशन। हाय आचल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन द फर्स्ट प्लेस, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू, और आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको कुछ बेटर सिखाने के लिए वी शैल स्टार्ट फॉरवर्ड। श्योर ओम, तो एज आई नो कि आपने बहुत सारी इंटर्नशिप की हुई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी आपने काम किया है, सो बिफोर स्टार्टिंग हमें बताएं कि व्हाट इज इंटर्नशिप। ओके, सो आई विल स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो आई एम ओम गुप्ता, मैं राइट नाउ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के साथ एज अ रिसर्च इंटर्न, और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी एज अ रिसर्च इंटर्न, और दृष्टि आईएएस में एज अ यूपीएससी कंटेंट क्रिएटर। सो इंटर्नशिप इज़ लाइक कि आपको एक वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बीइंग इन कॉलेज पढ़ाई के साथ साथ थ्योरेटिकल चीज़ों के साथ एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है, एंड दैट इज़ वॉट इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड करता है। कि जो भी काम होता है इट्स जस्ट लाइक अ जॉब, आपको ऑफिस जाना होता है, काम करना होता है, पर आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ कम होती हैं, और कुछ भी अगर गलत होता है तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो इट्स लाइक अ लर्निंग एक्सपीरियंस कि आपको काम सिखाया जाता है और आपको कैसे इन चीज़ों के साथ हैंडल और डील करना है ये डिपेंड करता है। अभी तक आपने कितनी इन टोटल इंटर्नशिप की हुई है, एंड ब्रीफली हमें आपके बारे में बताएं कि आपने कब से इंटर्नशिप स्टार्ट कर ली थी, और अभी तक आपने किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया हुआ है। ओके, सो अभी मैंने आई गेस 5 इंटर्नशिप्स करी हैं, 5 इंटर्नशिप्स, और मैंने फर्स्ट इंटर्नशिप अपनी स्टार्ट करी थी फेब्रवरी 2023 में, जब मैं नवंबर में अपने होम टाउन से दिल्ली आया था फॉर यूनिवर्सिटी आफ्टर द सीयूईटी एग्ज़ाम, और उसके बाद मैंने फेब्रवरी से स्टार्टिंग की है। पहली और दूसरी इंटर्नशिप मैंने ऐसे ही रैंडमली फिल करी थी, तब मुझे ज़्यादा पता नहीं था इंटर्नशिप क्या होता है या इससे क्या होता है, वो सब कर रहे थे तो आई थॉट कि मैं भी ट्राई दे देता हूँ, एंड आई लैंडेड अपॉन टू, वन वॉज अ एनजीओ और एक कंपनी थी एडवर्टीजिंग कंपनी, तो उन दोनों के साथ करी। उसके बाद आई गॉट सीरियस अबाउट इट कि किस तरह से हमको ट्राई करना है या फिर किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे इंटरव्यूज क्रैक होते हैं। उसके बाद मैंने फिर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के साथ करी, देन आई डिड विद दृष्टि आईएएस, एंड राइट नाउ आई एम डूइंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें भी एक डुअल इंटर्नशिप है। तो फर्स्ट मंथ इट इज़ विद अ पॉलिटिकल कंसल्टेंसी, जैसे आईपीएससी होता है या नमो होता है, जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी, और सेकेंड पार्ट जो उसका है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जैसे पीएमओ या फिर मिनिस्ट्री ऑफिसर्स। तो आखिर क्या सोर्स रहा था टू नो अबाउट दिस इंटर्नशिप, जैसे आप दृष्टि आईएएस के साथ भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी आपने इंटर्नशिप की हुई है, सो बेसिकली आपको क्या सोर्स होता है, कैसे आपको पता चलता है इन सब चीज़ों के बारे में? सो मेरा बिगेस्ट सोर्स है लिंक्डइन, एंड आई एम वेरी एक्टिव ओवर देयर, मैं कॉन्टेंट भी वहाँ क्रिएट करता हूँ, और मोर ओवर जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो सब मोस्टली मुझे लिंक्डइन से ही पता चलती हैं। सो आई हैव बीन एक्टिव ओवर लिंक्डइन सिंस लाइक जब से मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ जनवरी फेब्रवरी से, और वहीं से सारे इंटर्नशिप वहाँ के जॉब सेक्शन में जाके या फिर लोगों को कोल्ड ईमेल करके मैंने लेटली ट्राई किया है। जैसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली है वो मुझे कोल्ड ईमेलिंग से मिली है। तो इसमें क्या करते हैं कि आप गूगल पे जाके किसी की भी ईमेल सर्च करते हैं और उनको अपनी तरफ से अप्रोच करते हैं कि आई वॉन्ट टू डू इंटर्नशिप, मेरे अंदर ये मेरे प्रायर एक्सपीरियंसेज है और मैंने ऐसे काम किया है, और इस तरह से हम लोग आगे कर सकते हैं। सो इट इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। सो ओम, आपने लिंक्डइन ही क्यों क्यों चूज़ किया, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, तो आप लिंक्डइन पे ही क्यों गए थे फॉर इंटर्नशिप फाइंड करने के लिए? एक्चुअली द थिंग इज कि माय सिस्टर यूज टू यूज लिंक्डइन बिफोर, एंड आई वाज इवन क्रिएटिंग लिंक्डइन कंटेंट फॉर सम पीपल बिफोर आई वाज ऑन लिंक्डइन, सो इवन इन माय 12th और समथिंग।
So I just thought that it is the best platform and I have also used all of the platforms. I have used Unstop, मैंने intern शाला भी use किया है और जितने भी होते हैं मैंने more or less सारे use करे हैं, पर सबसे convenient मुझे LinkedIn लगा और intern शाला ठीक है, but I feel कि उसमें बहुत सारी ना scam type भी होते हैं internship, तो I don't really prefer or tell people to use intern शाला. और LinkedIn थोड़ा सा ना you can tell कि वहाँ का atmosphere थोड़ा चिल सा है. इंस्टाग्राम ऑल्सो गिव्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, पर वहाँ डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि आई डोंट थिंक दैट पीपल आर गोना गेट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम देयर. वो किधर और इधर उधर निकल जाएंगे. सो आई गेस दैट लिंक्डइन इज द बेस्ट पार्ट बिकॉज वो ऑथेंटिक है एंड मोर और लेस यू ऑल्सो गेट हेल्प टू क्लियर द इंटर्नशिप. यू गेट द पीपल, यू गेट द एनवायरमेंट. सो आई गेस लिंक्डइन रियली वर्क्स इन एवरी एस्पेक्ट. ओके ग्रेट. तो आखिर जब आपने फर्स्ट इंटर्नशिप अपनी फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में की थी, तो बेसिकली लोगों के दिमाग में ये डाउट होता है कि हम फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में क्यों करें, हम थर्ड या फोर्थ ईयर में जाके करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे मे भी हो सकता है हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस हो. तो आपको थोड़ा बहुत फियर नहीं था कि यार मेरे पास तो कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैं तो एकदम न्यू हूँ, तो मैं अभी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करूँ या नहीं करूँ? तो वो सारी चीज़ें आपने कैसे माइंड सेट बिल्ड किया था? सो वेरी ऑब्वियसली फियर था, पर आई गेस कि अगर मैं नहीं करता तो बहुत ऑब्वियस था कि नहीं होता, तो मैंने सोचा अगर कर देते हैं तो शायद हो जाएगा. पॉसिबिलिटीज तब भी ना होने की ज़्यादा थी बिकॉज आई डेंट हैव एक्सपीरियंस. पर धीरे धीरे मैंने फिगर आउट किया कि वहाँ के जो लोग हैं वो एक्सपीरियंस नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको उस काम को करने के लिए एक पोटेंसी होनी चाहिए कि यू वॉन्ट टू गिव योर 100%. लाइक जब मैंने पहली अपनी रिसर्च इंटर्नशिप करी थी तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में थी, और उसके लिए मैंने एक पहले पोर्टफोलियो बनाया जिसमें मैंने कुछ रिसर्चेज अपनी तरफ से की. एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू जब CV शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो मैंने उनको वो फाइल भी भेजी अपना पोर्टफोलियो कि मैंने ये सारे रिसर्चेस कर रखी हैं पहले से, नाउ यू कैन सी कि मेरे अंदर पोटेंसी है रिसर्च करने की, बट आई डोंट हैव अ प्लेस टू डू इट. मुझे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए उस टैलेंट को शोकेस करने के लिए. और इस तरह की चीज़ें देख के आई डोंट थिंक एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है बिकॉज इट जस्ट शोज कि आपको काम कर सकते हो और आपको जगह चाहिए सही करने के लिए. सो डैट्स हाउ आई स्टार्टेड. एंड गेटिंग ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट ईयर, तो मेरे हिसाब से कोई किसी भी टाइम पे इंटर्नशिप कर सकता है. इट्स जस्ट कि कॉलेज में आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना होता है. कुछ लोग वो काम इंटर्नशिप्स के थ्रू करते हैं, कुछ लोग सोसाइटीज़ का पार्ट होकर करते हैं, कुछ लोग अपना खुद का यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएशन इस तरह से करते हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ. और जब तक आप वो कर रहे हैं तो चाहे इंटर्नशिप से करें जिस भी माध्यम से करें, इट जस्ट वर्क्स फॉर यू. तो एग्जैक्टली अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि आखिर आपको वो इंटर्नशिप मिली कैसे थी. आपने पोर्टफोलियो के बारे में बात की, तो आपने पोर्टफोलियो कैसे बनाई थी, तो उसके बारे में ज़रा डिटेल में बताएं हमें. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली इंटर्नशिप की एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. और तो एक दिन मैं मेट्रो में था कश्मीरी गेट पे, एंड वहाँ पे मैंने एक सर को देखा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ID कार्ड पहने हुए थे. सो आई जस्ट वेंट अप टू हिम और मैंने बताया कि आई एम राइट नाउ इंटर्न हेयर एंड हेयर और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो अगर मुझे मिनिस्ट्री में इंटर्नशिप करनी है तो व्हाट कैन आई डू. तो उन्होंने कहा कि जो डायरेक्ट ओपनिंग्स आती हैं उसमें यू हैव टू बी अ फोर्थ सेमेस्टर पास स्टूडेंट, पर अगर आप तब भी करना चाहते हैं तो यू कैन कोल्ड ईमेल देम. तो वहाँ से मुझे पता चला कि वी कैन कोल्ड ईमेल पीपल, और फिर मैं घर गया, मैंने जितने भी सर्चेस थी वो करी कि कौन सी ईमेल्स होती हैं, जो लोग थे लिंक्डइन के जो वहाँ पे पहले से काम कर रहे थे उनसे कनेक्ट किया. एंड देन आई सेंट लाइक आई गेस 50-60 कोल्ड ईमेल्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद एक दो का रिवर्ट एंड देन आई डिड द इंटरव्यू प्रोसेस. तो इस तरह से मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही मिली थी. सो कोल्ड ईमेल्स वर्क, पर उसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है क्योंकि उनका जो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है वो बहुत कम होता है. सो यू नीड टू रियली स्टिक अराउंड टू गेट इनटू दैट. और जो पोर्टफोलियो की बात है, पोर्टफोलियो बनाने के लिए यू जस्ट नीड टू गेट सम टॉपिक्स. अब जैसे मान लीजिए कि मैंने देखा कि मुझे पॉलिटिकल फील्ड में करना है, सो आई टुक सम टॉपिक्स जो उस समय रिसेंटली हाइप अप कर रहे थे उस फील्ड में, एंड आई डिड रिसर्चेज ओवर दम. और जब मैंने उस फील्ड में रिसर्च करी, सो आई पुट द साइटेशंस एट गूगल दैट हाउ टू डू द बेटर रिसर्चेस, कैसे उसको डाइवर्स बनाया जा सकता है, किस तरह के जागन्स यूज़ किए जाते हैं, कहाँ कौन से वर्ड्स. और ये सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद मैंने 5-6 टॉपिक पे एक रिसर्च पेपर बनाए अलग अलग टॉपिक्स पे, और उनको एक पोर्टफोलियो में हाइपरलिंक कर दिया अपनी वर्ड फाइल्स को. और अब जब मैं कहीं पे भी रिसर्च इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करता हूँ तो जैसे कवर लेटर और CV हम लोग भेजते हैं, उसके साथ ही मैं सेंड कर देता हूँ अपना पोर्टफोलियो. तो इससे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि इससे उनको एक ओवरव्यू क्लियर हो जाता है कि आई नो हाउ टू रिसर्च
बस मुझे सही जगह चाहिए एंड दैट्स व्हाट दे प्रोवाइड मी विद द प्लेस ऑफ इंटर्नशिप, चाहे फिर वो दिल्ली गवर्नमेंट हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो. सो दैट्स हाउ आई ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज. एंड आपने इंडस्ट्री आईएएस में भी इंटर्नशिप की हुई है, तो उसमें क्या प्रोसेस थी आपकी सिलेक्शन की, कैसे आपको उसके बारे में पता चला था? सो उसकी जो एचआर थी, हेड एचआर, उनका लिंक्डइन पे एक नोटिस आया था कि दे नीड अ इंटर्न फॉर सीयूईटी एंड यूपीएससी कंटेंट क्रिएशन. सो मैंने बहुत रैंडमली फिल कर दिया था. मैंने मुझे याद है मैंने घर पे आके पापा को कॉल किया था, उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने कहा क्या ही करूँगा भर के, क्योंकि वो तो मेरा होगा नहीं, मैं कहाँ फर्स्ट ईयर में और यूपीएससी की इंटर्नशिप करूँगा. तो उन्होंने कहा भर दो क्या ही जा रहा है. सो आई जस्ट फिल्ड इट आउट एंड बाय गॉड ग्रेस वहाँ पे हो गया. सो द फर्स्ट पार्ट वॉज सीवी शॉर्ट लिस्टिंग. उसके बाद एक एग्जाम हुआ था, इट वॉज अ रिटन एग्जाम इन टू देयर सेंटर, जो मेन्स की तरह था. इट वॉज मोर लाइक मेन्स एंड देन अ प्री. सो ये दोनों एग्जाम्स हुए थे, वन वॉज ऑब्जेक्टिव वन वॉज सब्जेक्टिव, और वो दोनों क्लियर करने के बाद यू हैड टू गो फॉर अ इंटरव्यू. सो ये तीनों पार्ट हुए थे, बहुत लंबा प्रोसेस था, रिगोरस प्रोसेस, बट इट वॉज ऑल वर्थ इट. सो वो जो मेस्टली था उसमें जो क्वेश्चंस थे वो रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, इंग्लिश एंड द एवरीथिंग अराउंड यूपीएससी, इट वाज रिलेटेड टू दैट. ऑल आई एम सेइंग इज अगर आप थोड़ा सा अवेयर हो अपने आसपास से कि कहाँ पे ओपनिंग्स निकल रही हैं, यू फॉलो द एचआरस, यू फॉलो द पीपल हु आर वर्किंग इन द इंटर्नशिप, आप थोड़ा लिंक्डइन पे हैंग आउट कर रहे हो इंस्टाग्राम की जगह, सो ऑल दोस थिंग रियली बॉइल डाउन टू द अपॉर्चुनिटीज दैट यू गेट. राइट, तो आखिर आपसे क्या क्या इंटरव्यू में पूछा गया था, कैसे आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी, क्योंकि आपने भी बहुत सारी इंटर्नशिप की हुई है तो काफ़ी जगह आपने इंटरव्यू भी दिया होगा डेफिनेटली, तो क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे, कैसे कोई क्वालिफाई कर सकता है इंटरव्यू राउंड में? सो इंटरव्यू में द फर्स्ट टिप आई वुड गिव कि जो लोग पहले से वहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट हो, बिकॉज हर इंटरव्यू के लगभग एक हफ्ते पहले हमको पता होता है कि वी आर शॉर्टलिस्टेड और हमारा एक हफ्ते बाद इंटरव्यू है. तो द बेस्ट वे इज कि गो ऑन लिंक्डइन और फिल्टर करो अपनी सर्च को, लाइक लेट्स से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो लोग इंटर्नशिप या जॉब कर रहे हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करो. लेट्स से आपने 50 करी तो 10 लोग एक्सेप्ट करेंगे, एंड देन आस्क देम कि किस तरह से उस इंटर्नशिप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इट विल गिव यू अ रोड मैप, अ माइंडसेट कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है. और उसके बाद गूगल है, यू कैन फॉलो गूगल. एंड फॉर सम जेनरिक टिप्स आई वुड से कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड नॉट टू बी नर्वस. और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई डू अ हैक. When I go for a interview, I just think that I am sitting in a podcast with someone, let's say Ranveer Alabadi, or now I can even think that I am sitting with Anchal doing a podcast. So it just eases you out. It ends the nervousness of an interview, or वो एक pressure हट जाता है सर से कि यार interview देना है, नहीं निकला तो क्या होगा. So just do it like a podcast, कि वो पूछेंगे और तुमको बताना है, that's it. So it really eases out the nervousness. Or most of the people know what to say, बट दे डोंट नो हाउ टू से इट. तो इस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि आपको कैसे उस चीज़ को कन्वे करना है, इंस्टेड ऑफ आपको क्या कहना है. क्योंकि क्या कहना है अगर आप सी वी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आगे जा रहे हो तो मोर और लेस आपको पता ही है, यू नो योर शिट. सो दैट्स हाउ इट गोज आई गेस. तो ये दो पॉइंट्स हैं जो बहुत ओवरलुक किए जाते हैं. और थर्ड आई वुड से क्रिटिकल थिंकिंग पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज स्पेशली इन द रिसर्च फील्ड एंड पॉलिटिकल फील्ड दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस लाइक आर्टिकल 370 के बारे में बताओ और ICPC के बारे में बताओ. दे वॉन्ट आस्क यू दिस, दे विल आस्क यू डैट लेट से आप एक रिसर्च इंटर्नशिप कर रहे हो इलेक्टोरल, और इस जगह पे आपको एक स्पीच लिखनी है आपके जो भी मिनिस्टर हैं उनके लिए, और वो इस केस में फंस गए. सो नाउ हाउ विल यू टैकल द सिचुएशन. सो क्वेश्चंस लाइक दिस आर वेरी हाइपोथेटिकल एंड दे आर बेस्ड ऑन योर कंसाइंस. सो आई वुड से दैट क्रिटिकल थिंकिंग इज वॉट इट शुड बी वर्कड अपॉन. सो दैट आर माई टिप्स फॉर इट. एंड अभी आपने मेंशन भी किया था कि दृष्टि आईएएस के पहले इंटरव्यू राउंड क्वालिफाई करने के पहले आपके दो एग्जाम राउंड्स भी हुए, तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की थी? सो उसके लिए प्रिपरेशन वाज वेरी बेसिक. आई वुड से कि अगर आपको थोड़ा सा यू आर डन विद द करेंट अफेयर जो आपके आसपास चल रहा है, थोड़ा सा एनसीईआरटी यूपीएससी के ग्राउंड से आप रिलेटेड हैं, अगर आप 6th to 12th की एनसीईआरटी का एक ओवरव्यू आपके पास है सोशल साइंसेज का, सो यू आर रियली गुड टू गो. बहुत हार्ड नहीं थे, they were more like a level up from CUET exams, they were like that. So bahut tough nahi the and I really got good scores in them. I don't remember really but it was like 93-94 out of 100. So the thing with it is ki aapko sabse pehle bas ye dekhna hai ki aapke aas pass kya chal raha hai, aap jitna aware ho aap utna up to date ho
इन दिस वर्ल्ड वी जस्ट नीड टू बी अवेयर, चाहे आपके कोई इंटर्नशिप्स के लिए हो, एग्जाम्स के लिए हो, आपकी जनरल लाइफ के लिए हो, वॉट एवर, इफ़ यू आर अवेयर कि आसपास क्या चल रहा है, सो यू आर वेरी अहेड ऑफ द पीपल हु आर नॉट अवेयर. सो दैट्स अ थिंग. और सेकेंड, गूगल, चैट जी पी टी, रिसोर्सेज, बुक्स, एवरी थिंग इज सो मच ओवर द इंटरनेट कि अगर आप चाहो तो यू कैन प्रिपेयर फॉर एनी थिंग एंड एवरी थिंग. बट स्टिल आई वुड से कि एनसीईआरटी अगर आपकी क्लियर है, सो मोर ऑर लेस यू कैन क्लियर दोज एग्जाम्स. एंड आखिर आपने किन टाइप के प्रोडक्ट्स पे काम किया है, आपका पूरा प्रोसेस क्या होता है उस इंटर्नशिप पे, आप क्या क्या काम करते हैं दृष्टि आईएएस में? दृष्टि आईएएस में मुझे ये करना होता था, यूपीएससी और सीयूईटी से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना होता था, जैसे जो बुक्स हो गई या एमसीक्यूज हो गए, क्वेश्चन पेपर्स हो गए, आंसर कीज हो गई, और जो भी इन रीडिंग मटीरियल है, जो भी बुक्स हैं, करेंट अफेयर बुक्स जो छपती हैं उनकी, और या फिर जो वेब पे कंटेंट आता है, क्वेश्चन आंसर क्विजेज आते हैं, वो सब क्रिएट करने का, बनाने का काम था. सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग एज वेल एज इट वाज वेरी गुड फॉर माय ओन सेल्फ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिली, और जिन सब्जेक्ट्स में भागता था मोर और लेस मुझे वही करने को मिले, बिकॉज दे वर गिविंग मी इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी. सो इट वाज दैट्स हाउ इट वेंट. और दूसरी जो इंटर्नशिप्स हैं, लेट्स से रिसर्च वाली, उसमें ऑल यू मोस्टली हैव टू डू, यू गेट अ डेटा, you need to extract the proper data or the needed data from that scrap data, and then you got to do research over that. Like let's say कि अगर electoral research है तो जैसे मुझे जो data मिला था वो था इंदरपुरी का, okay, it is a place in Delhi, वहाँ के electoral researches का, तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का क्या समीकरण होता है, वहाँ का जातीय समीकरण, the caste politics there, वहाँ के मुद्दे क्या हैं, what people want, what the government wants, what are the fund for those. So you need to make over for all of that and then look on to ki kaise elections pe approach karna hai, how you need to, so it's all about the research of doing that things. So that was my work. Or government of India mein to abhi chal rahi hai. So stipend kya tha agar aapka drashti IAS mein kya stipend raha hai, government of India mein kya stipend raha tha aapka? Stipend, so I don't know ki if I can tell it, because drashti IAS mein variable stipends hota hai. इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना अप्रोच कर ले जाते हो. यू कैन से अराउंड 20. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कितना था आपका? गवर्नमेंट्स मोस्टली पे अराउंड 10. ऑल ऑफ द गवर्नमेंट इंटर्नशिप, आइदर इट इज MEA और इट इज DIFT, ऑल दोज इंटर्नशिप्स आर फॉर मोस्टली 10,000 अ मंथ एंड द ट्रैवल कंपनसेशन. आई थिंक आपने काफ़ी अच्छा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया, आपकी काफ़ी अच्छी कलेक्टिव इनकम हो गई है. आई मीन इट इज़ गुड लुकिंग ऑन टू इट, और मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, सो इट सम्स अप प्रिटी गुड, मेरा काम चल जाता है पूरा. तो आखिर आप, लास्ट क्वेश्चन ये कि आप क्या टिप्स देना चाहेंगे फॉर बिगनर्स जो अभी मे बी 12th पास किए होंगे या फर्स्ट ईयर में हैं अपने कॉलेज के, एंड उनको भी इंटर्नशिप करना है, तो क्या टिप्स आप उनको देना चाहेंगे? तो फर्स्ट टिप आई वुड गिव कि यार डोंट फोर्स इट. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमको फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप करनी है या वो बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. डोंट मेक अ प्रेशर ऑन टू योर सेल्फ. ठीक है, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ इन द कॉलेज. कॉलेज एक ऐसी जगह है कि यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू गेट द फ्रीडम ऑफ डूइंग इट. तो जस्ट गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ, आइदर इट इज़ फ्रॉम इंटर्नशिप, इट इज़ फ्रॉम मेकिंग अ सोसाइटी, डूइंग सम वॉलंटियरिंग वर्क, और डूइंग सम कॉन्टेंट क्रिएशन, और बींग अ इन्फ्लुएंसर. Do anything, just explore yourself. और इस rat race में मतलब हो कि you need to do internship, या ये video देख के तुम भी जाओगे कि you don't want to do internship पर तब भी तुम्हें जाना है. So don't do it like this. पहले ढूंढो कि what excites you, what really excites you, and then explore yourself in that field. That's all I would say. Because बहुत सारे लोग I have seen कि video देख के जाते हैं and then half of the way of the internship they are like, this is not my shit to do. So don't do that. Right. थैंक्स ओम फॉर गाइडिंग अस अबाउट इंटर्नशिप, क्या करें, इंटर्नशिप क्या होती है, कितना स्टाइफन होता है, कैसे इंटरव्यू राउंड, सीवी, सब कुछ आपने डिटेल में बताया. आई होप सबको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो के बाद. थैंक यू आंचल, एंड थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर इनवाइटिंग मी. आई होप कि आई एडेड सम वैल्यू टू यू गाइज इन दिस 20 मिनट्स एंड दे इज वर वर्थ इट.